गुड मॉर्निंग गाइस। देखेगी पापा आ जाएंगे तुमको लेने के लिए, बोलेंगे हम आते हैं, रुको। पापा आते हैं तो तुम खुश हो जाते हो ना दीदी। पापा लड्डू के पैर में पता नहीं क्या हो गया था, वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि लास्टली हम लोग डिसाइड किए कि उसको डॉक्टर को ही दिखाएंगे। ये है मेरा बनाया हुआ सुडोकू जो हम रोज़ 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 और डेली बनाते हैं और रोज़ मेरे से बन जाता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम मॉर्निंग से ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, लड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी और तब मेरा मूड ख़राब हो गया था। अब हम स्कूल से आके मम्मी के साथ जा रहे हैं वॉक पे। कितने दिन के बाद मम्मी वॉक पे जा रही हो? बहुत दिन के बाद जा रहा है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम लोग वॉक पे जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग के साथ वॉक पे। बस तो हम लोग निकल गए वॉक पे। ये है बाईपास का रास्ता, हम लोग बाईपास जाते हैं। मम्मी अपने पूरे दिन का सारा बात मुझे बताती है और ऐसे कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता। बस रास्ते में हमें एक ये दुकान मिला है, यहाँ घर के डेकोर का सामान मिल रहा था, सोचे चले जाते हैं देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो बस हम लोग वापस हो रहे थे, देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, खेत हैं और सनसेट हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू, देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है चारों तरफ। वॉक से लौटते टाइम यहाँ एक वृद्धा आश्रम है, बट आज तक कभी हमको यहाँ पे कोई इंसान ही दिखाई नहीं दिया। वैसे तो मम्मी कंटिन्यू बोले ही जा रही थी और हम चुपचाप से सुन रहे थे, पर जब हम वीडियो शूट करने लगे तो मम्मी चुप हो गई, बस मम्मी चले जा रही थी। पर मैं सच बता रही हूँ यार, जब हम लोग एक घंटे वॉक पे जाते हैं और मम्मी कंटिन्यू बोलती है। ये है मेरे भोलेनाथ, घर में सांस देने के बाद हम चले गए थे मंदिर सांस देने, वहाँ सांस दिए फिर घर आए। बस तो सांस देने के बाद हम लोग का आज प्लान था रात में लिट्टी बनाने के, तो बस लिट्टी की तैयारी में जुट गए हम लोग। प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च ये सबको हम लोग पतला चॉप कर लिए हैं। देखिए ये चॉपर मशीन है तो बहुत छोटू सा, पर ये बहुत हेल्पफुल है, आप लोग भी ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है रियली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च ये सारा बिल्कुल चॉप हो गया है। तो बस अब सत्तू को बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें दिए हैं प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च मंगरेला अजवाइन नमक सरसों का तेल सत्तू, सारा को मिला के अच्छे से मिलाना है। इसमें नींबू भी देना है खट्टा के लिए, अगर नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप अचार भी दे सकते हैं, और सरसों का तेल ऊपर से दीजिए तो, और धनिया पत्ती दीजिए। इधर मम्मी कर रही थी चोखा की तैयारी। मम्मी टमाटर और बैंगन चूल्हा में पकाई थी और हम आलू उबाल लिए थे। इधर हम टमाटर बैंगन आलू सबको मैश करके उसमें प्याज हरा मिर्च धनिया पत्ती अदरक और लहसुन सारा चॉप किया हुआ डाले हैं, फिर नमक डाले हैं सरसों का तेल डाले हैं, तो हमारा हो गया है चोखा तैयार। अब करना है लिट्टी का स्टफिंग, तो उसके लिए लिट्टी का आटा सानना है। आटा अच्छा से सानना है, आटा में देना है रिफाइन नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। और अब यहाँ पापा आग पे लिट्टी सेक रहे हैं, सेकने का काम पापा किए थे। हमारे लिट्टी पार्टी का बेस्ट पार्ट ये था कि पापा हम लोग के साथ इन्वॉल्व थे और ये हमारा लिट्टी बनके तैयार है। सो गाइस, हमारा लिट्टी बनके तैयार है, अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा बना है। लड्डू कैसा लगा था लिट्टी? गंदा।
तो आज का मेरा ब्लॉगिंग यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।